अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करने वाली हैं आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए पाकिस्तान टीम का विकेट कीपर कौन होगा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ओपनर कौन होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान टीम के बहुत ही अच्छे विकेट कीपर हैं और बहुत ज़्यादा विकेट कीपर हैं, और अगर ओपनर्स की बात करें तो पाकिस्तान टीम में न्यू टैलेंट खिलाड़ी भी ओपनर हैं, सीनियर खिलाड़ी भी ओपनर हैं। लेकिन किसको होना चाहिए टी20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए पाकिस्तान टीम का ओपनर और विकेट कीपर, आइए तमाम तर तफसीलें इस वीडियो के अंदर बताने वाली हैं। तो दोस्तों, इससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर ऑल पर लाजमी क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, बगैर कोई आपका कीमती वक्त ज़ाय किए आपको मुकम्मल तफसील बताते हैं। और इससे पहले आप दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि टी20 वर्ल्ड कप 2021 कौन सी टीम जीतेगी। तो दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं विकेट कीपर के हवाले से। तो दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तान टीम के बहुत से विकेट कीपर हैं, तो दोस्तों मेरे ख्याल से या मोहम्मद रिजवान को विकेट कीपर के तौर पर रखना चाहिए, यहाँ पे रखना चाहिए कामरान अकमल को, इन दोनों में किसी एक को विकेट कीपर के तौर पर रखना चाहिए। आप दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि किसको विकेट कीपर रखना चाहिए। अगर ओपनर्स की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे ओपनर्स आती हैं शर्जील खान, हैदर अली और बाबर आजम। बाबर आजम तो कन्फर्म है, उनके साथ दूसरे ओपनिंग बल्लेबाज मेरे ख्याल से तो शर्जील खान को होना चाहिए, क्योंकि शर्जील खान बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। और आपके ख्याल में शर्जील खान को होना चाहिए बाबर आजम का साथी या हैदर अली को? अगली वीडियो तक ले इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।